दिनदाड़े हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा, ससुर नहीं उजाड़ा बेटी का सुहाग। आपको बता दें कि सोनभद्र जिले के गुरमुरा में गत 10 सितंबर को दिनदाड़े व्यापारी की गोली मारकर हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम विवाह के चलते युवक के मर्डर मिस्ट्री की पूरी गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। बेटी के प्रेम विवाह से कथित रूप से नाराज होकर शादी के एक साल बाद ससुर ने अपने दामाद की हत्या करवा दी। पुलिस ने ससुर सहित हत्या में शामिल चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, तमंचा तथा बाइक बरामद की है। बताना चाहेंगे कि आज एडिशनल SP कालू सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि थाना चौपन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरमुरा में गत 10 सितंबर की शाम करीब 7 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा ग्राम गुरमुरा के रहने वाले राकेश गुप्ता की चाकू व गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता के तहरीर के आधार पर पुलिस टीम जांच में जुटी हुई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर चोरपनिया जंगल मोड़ के पास से घटना में शामिल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व चाकू तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद किया गया है। कामेश्वर विश्वकर्मा की सोनभद्र से खास रिपोर्ट। सर, आज हत्या का खुलासा हुआ है, इसमें कितने आरोपी थे और क्यों हत्या कराई गई, क्या मामला? देखिए, दिनांक 10/9/2024 की शाम 7 बजे राकेश गुप्ता निवासी गुरुमरा थाना चौपन की एक मोटरसाइकिल पर अज्ञात 3 सवारों ने हत्या कर दी थी और हत्या ये फायर इंजरी थी और चाकू को से वार करके की गई थी। हमारी सर्विलेंस टीम, SOG टीम और थाना चौपन के द्वारा इस पर काफ़ी कार्य किया गया तो लास्ट अल्टीमेट में निकल के आया कि जो लड़का है राकेश गुप्ता, उसने लव मैरिज करी थी सीमा पटेल के साथ में। सीमा पटेल के जो पिताजी हैं ललित पटेल, उन्होंने इस सारे षड्यंत्र को रचा। वो इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने इसमें विनोद कुमार गौड़, सुरेंद्र कुमार गौड़ व आशीष भारती, इन 3 लोगों को हायर किया था और इन्हें 90,000 रुपये पहले ही दे दिए थे विनोद गौड़ को और बाकी इन लोगों पे 7 लाख और किसी पे 5 लाख कर्जा था। तो इसके भी आश्वासन दिया था कि जब आप घटना कर देंगे तो ये, तो उसके बाद वो आपको ये जो पैसा है वो बाद में दे देंगे। तो सर, टोटल सुपारी कितने की दी गई थी? 90,000 पेमेंट किया जा चुका था और एक को 7 लाख, एक को 8 लाख, लगभग 15 लाख के आसपास का टोटल है। 15 या 20 भी हो सकता, थोड़ा और अभी जो आया वो 15 लाख के आसपास का है। तो किस तरीके से सर वारदात को अंजाम दिया, कहाँ पर दिया गया था? ये जो राकेश गुप्ता है गुरमुरा के रहने वाले, अपने घर, उस घर से 100 मीटर के आसपास पहले ही ये जो अभियुक्तगण है पहले से ही वहाँ पर रेडी थे। इन्हें पता था, पीछा कर रहे थे सुबह से ही कि ये अपने घर आएगा और जैसे ही घर आया तो उन्होंने इसकी मोटरसाइकिल को वहाँ रोक लिया और इनमें जो अभियुक्त, उन्होंने एक अभियुक्त ने तुरंत इसकी मोटरसाइकिल को रोका और तुरंत उसको धक्का दिया और एक ने तमंचे से वार करा, एक ने चाकू से वार किया। जब ये घटना हुई थी तभी ये प्रकरण आया था कि